Assalamu alaikum. Welcome back to our channel, Sellside. So, IBSTS 515 स्क्रीन टेस्ट फिर से शुरू हो रही है 22 जून से 26 जून में. तो मैंने मैथ के कुछ केसेस किए हुए हैं, कुछ एमसीक्यूज तो एक से आ सकते हैं, ठीक है. वो मैंने बिल्कुल उस तरीके से उनको रिसर्च करके दिखाया, ठीक है. और कुछ के रिलेटेड आ सकते हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले ये वाली वीडियो देख ले, इसमें क्या है. इसमें से आपकी एटलीस्ट अगर आपको ये सारी वीडियो समझ में आ जाती है तो आपके 3 मार्क्स इसमें से पक्के हैं, क्योंकि अभी वो आ रहे हैं बाइनरी, ठीक है, टू डेसिमल आ रहा है और डेसिमल टू बाइनरी आ रहा है, ठीक है. 3 इसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इसमें मैंने सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं 12 के 12, ठीक है. फिर बाइनरी टू डेसिमल हो, डेसिमल टू ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल हो, ये डिस्कस किए हुए हैं. इसमें से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है. तो वो जो है मैंने इसमें तकरीबन जो है आप समझिए कि 10 MCQ सिर्फ इससे रिलेटेड मैंने करवाया है, तो आपकी इसमें हेल्प हो जाएगी काफ़ी. अगर आप बाकी नहीं पढ़ना चाहते हैं कि कन्वर्जन बाकी नहीं समझ में आती है तो खैर है, लेकिन ये वाली जो है इसमें से वीडियो में ज़रूर कीजिएगा. काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल्स दे के मैंने इसको समझा दिया है आपको, और बाकी भी कर ले तो बहुत अच्छा है. तो अगर इन केस अगर वो चेंज कर लें तो आपको आ जाएंगे. अच्छा, अब जो है ये गैस है मेरा कि ये वाली जो वैल्यूज है ना ये एक्सैक्ट सेम आएंगी, ये इससे लेके आई थिंक 5 तक. हर टेस्ट में एक एक एमसीक्यू जरूर आएगा. मेरा ये गेस है कि ये वाला जो टेस्ट है वो आएगा 22, ये वाला जो है ये आएगा 22 जून को पेपर में आएगा, ठीक है. उसके बाद 23, 24 से 26 तक ऐसे सॉल्व करेंगे इसको. 51 को मल्टीप्लाई करें 51 से, ठीक है. 49 को मल्टीप्लाई कर लें 49 से. 1 1 1 वन फाइव ज़ा फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव फाइव ज़ा 25. 1 ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 6 और ये 2 हो गया, सही है. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, 37 38 39 40 41 42 43 44, ये हो गया 44. 9 4 ज़ा 36, 4 4 16 17 18 19. 1 यहाँ पे हो गया 0, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ये 14 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है 10. अब इसको इनको आपस में माइनस करना है, क्योंकि 51 माइनस करना है 49 से स्क्वायर से. इन दोनों को इस तरीके से माइनस कर लें, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 0. तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ये वाला. तो ये एमसीक्यू मेरा गैस है कि जरूर आएगा, इनकेस अगर वो थोड़ी सी वैल्यूज चेंज नहीं करते तो बस फिर यही आएगा एमसीक्यू, ठीक है. तो आपकी ये मार्क कंफर्म हो सकती है अगर आपको सॉल्व करना आए तो. इस तरीके से इसको भी कैसे करेंगे, ये आएगा मेरा गैस है 23 को आएगा, तो 61 61, ठीक है. और यहाँ पे 59 और 59, इनके आंसर से याद कर लें बहुत हो जाएगा. 1 1 ज़ा 1 1 6 ज़ा 6, ठीक है. 6 1 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36, 1 यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 3. 9 9 ज़ा 81, 9 5 ज़ा 45, 46 47 48 49 50 51 52 53, 5 and 3. सेम 9 5 ज़ा 45, तो 5 यहाँ और यहाँ 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा 4, तो 29. यहाँ पे हो जाएगा 1 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, यहाँ 1, यहाँ पे 3. अब इसको इससे माइनस कर लेते हैं, 3 4 8 1, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 और यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ बचेगा तो 240. अगर देखा जाए तो इन सारों में जो है ना 40 40 का डिफरेंस है, तो इनके अगर भूल जाए ना तो 40 40 प्लस करते हुए ना आंसर आ सकता है. 240 इसमें आ रहा है, ठीक है. तो राइट आंसर इसका है 240. अब मैंने 71 का किया हुआ है, ये आएगा तकरीबन 24 तक, सही, 24 जून पे ये आ सकता है. इसको मल्टीप्लाई कर लेती, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन कौन से दिन पे आया. अगर ये 22 में आ जाए ना तो मैंने गेस किया है, तो इसका मतलब है बाकी भी सेम आएगा. 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7,
सेवन वन जा सेवन, सेवन सेवन जा 49, वन यहाँ पे फोर, यहाँ वन, 0 4 1 और 5 0 4 1, तरीके से इसको करते हैं, 9 9 जा 81, 9 6 था 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, तो हो जाएगा 6 और into 9 6 था 54 अगेन, 6 is 36, 37, 38, 39, 40, 41, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे, यहाँ पे 1 6 7 4, 4 7 6 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 4 माइनस 6 नहीं होगा, यहाँ से 4 लेना पड़ेगा हमें, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे बचेगा 8, 9 माइनस 7 2 बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये 81, ये आएगा 25 जून, ठीक है, 81 into 81, और ये है 79 into 79, 1 8 1 जा 1 1 8 सा 8, 8 1 जा 8, 8 8 सा 64, 1 यहाँ पे 6 यहाँ 1 यहाँ, ये 5 ये 6 हो जाएगा, अब इसको करते 9 9 जा 81, 9 7 जा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, तो यहाँ पे हो जाएगा 71, सही है। इसी तरीके से 9 7 जा 63 अगेन, 7 7 जा 49, 50 51 52 53 54 55, तो यहाँ पे 1 5, यहाँ पे दूसरा 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ 1, तो 6 6 2 4 1, ये हो जाएगा 0, ये 2, ये 3, ये आ जाएगा, ये लास्ट है, ये आएगा 26 जून, 26 को आएगा ये, इसका भी देख लेते हैं, 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, सही है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये 2, ये 8, इस तरीके से 89 का देख लेते हैं, अगेन 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ये हो जाएंगे 8, इंटू 9 8 सा अगेन 72, ठीक है, 8 8 64, तो 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 9, और यहाँ पे 7, 7 9 2 1, 0 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से 7 कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर है 3, राइट आंसर ये हो गया, तो यहाँ तक ये वैल्यू हो गए। अच्छा, अब इसमें जो है गेस पे एग्जैक्ट तो नहीं कर सकती क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, लेकिन तकरीबन मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से सॉल्व होगा, तो हम इसका एक कर लेते हैं, बाकी फिर आप समझ लीजिएगा किस तरह से आ सकता है। 20%, ठीक है, 20% का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से अगर 80% है इसका मतलब है 80 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ आए ना इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लें 40 को इससे, ऑफ का मतलब है 30 को मल्टीप्लाई कर लें इससे, ये 0 ना यहाँ से खत्म कर लें, 1 0 यहाँ से खत्म, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ पे खत्म, 1 0 यहाँ से खत्म, 4 2 जा हो गया 8, 8 3 जा हो गया 24, वापस में प्लस करें क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 8 और 4 यू गेट 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 32, राइट आंसर ये वाला है। तो सारे इस तरह से प्रॉब्लम होंगे, बस अगर यहाँ पे देख लीजिएगा कि प्लस आता है या फिर माइनस आता है, अगर प्लस आता है तो इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा, माइनस है तो माइनस कर लीजिएगा,
अब ये वाली वैल्यू ठीक है, अब पहला फर्स्ट में दिया उन्होंने एक्स, फिर वाई दिया, अब जेड की बारी है, तकरीबन इसी तरह की वैल्यू आएगी, हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाए या फिर, लेकिन आएगा तो ये प्रॉब्लम आएगा ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरह से, जो भी आए ना 2:8 2/8 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल कर लें, यहाँ पे 4 का मतलब इज इक्वल ठीक है, 16 डिवाइड बाय जेड, इसको इस तरह से लिखा है, इस तरह से एक ही बात। अब इसको जेड को भेजते हैं इधर, 2z और 16 × 8 सही। दूसरे स्टेप में इसको हो जाएगा 16 × 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, 2 1 2, 2 4 8 ठीक है। 16 × 4 कितना होगा, 6 4 24, 4 1 4 और यहाँ पे 2 6, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से कोई भी आ सकता है, तो आप जो है वो देख लीजिएगा कौन सा आता है, तरीका यही होगा सॉल्व। अच्छा अब ये देखें कि या एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा, वैल्यू कोई भी हो सकती है, द वैल्यू ऑफ 3/5 इज इक्विवेलेंट टू ठीक है। तो आपको पॉइंट पे आंसर बताना होगा, तो पॉइंट में किस तरह से निकालते हैं हम इसको, इस तरह से करें, यहाँ पे लिखें 5, जो नीचे आएगा उसको रखें बाहर, जो अंदर आएगा उसको, टेबल नहीं लग रहा यहाँ पे 0 लगा दें, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद 0 आ जाएगा, 5 6 7 8 सही है। जहाँ जो भी टेबल लग रहा होगा तो उस हिसाब से वो दे देंगे तो हो जाएगा, ये आपका 0.6 आ गया, तो इसका मतलब ये वाला सही आंसर है। अच्छा एक दफा में आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक दफा में आ रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये वाला जो है अब जो आएगा नेक्स्ट में वो आएगा 22 जून को जो है वो आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन वाला ठीक है, वो हम आगे कर लेंगे। और उसके बाद 23 पे आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, लेकिन हम दोनों सीख लेते हैं। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका मतलब क्या होता है, इसको ऊपर वाले को कहते हैं हम न्यूमिनेटर, दूसरे वाले को कहते हैं नीचे वाले को डिनोमिनेटर ठीक है। जब भी ये देखें ये है छोटा ये है बड़ा नंबर ठीक है, 3 और 7 अगर देखें तो जहाँ जब यहाँ पे जो है ना ये वैल्यू होगी छोटी नीचे वाले से, तो इसको कहेंगे प्रॉपर। अगर यहाँ पे ये देखें ये वाली वैल्यू, जैसे देखें ये वाली ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली छोटी है, इसको कहेंगे इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखना है तो ये वाला जो है सही आंसर है, सही है। प्रॉपर देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो 22 जून को आएगा पेपर उसमें प्रॉपर आएगा, तो 3/2 ये तो इम्प्रॉपर है, 5/3 ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है ठीक है, ये भी बड़ा है ये छोटा है, नहीं होगा ये वाला देख ले, सही है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा ये भी एक आता है, इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन तकरीबन आंसर सेम आएगा, मतलब कि आपको वे सेम आएगा, इस तरीके से आंसर निकालेंगे आप लोग। तो 4/3 आया है जब ठीक है, तो 3 और जो है यहाँ पे आंसर लिखेंगे 4, अब जो है 3 1 3 हो रहा, जब भी इस तरीके से आएगा ना घोल में करना होगा तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और नीचे वाली हमेशा छोटी होगी सही है। तो 3 1 3 हो गया, यहाँ पे बचा 1, जो 1 बचेगा वो रखेंगे आप ऊपर, ये वाला 3 यहाँ पे रखेंगे और जो यहाँ पे ये वाला टेबल है यहाँ पे रखेंगे, तो उसका मतलब है ये वाला आंसर सही है। यहाँ वाला जो है ना ये आप रखेंगे हमेशा यहाँ पे, ये वाला जो है नहीं सॉरी, यहाँ वाला जो है ये वाला जो है यहाँ पे रखेंगे, ये वाला जो है यहाँ पे रखेंगे और डिवाइड वाला सेम वही। द वैल्यू ऑफ कोसेक 60 प्लस सेक 60, अच्छा पहले वाले में दो जो वैल्यूज आई हैं पहले आई हैं इस तरीके से कि कोसेक 30 प्लस सेक 60, तो अब उसका उल्टा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या फिर थोड़ी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा केस ये है कि शायद ये आ जाए ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने दो वैल्यू इसकी सिलेक्ट कर ली है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर दूसरा कुछ आ जाता है फिर आप टेबल याद कर लीजिएगा, मैंने टेबल लगाना भूल गई हूँ, मैं शेयर कर लूंगी पोस्ट में या फिर इस तरीके से ठीक है, और अगर आप लोग बना लीजिएगा इसका टेबल, मैं बना बनाना सिखा भी देती हूँ। कोसेक 60 तो आप देख लेते हैं कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 का मतलब है कि 1/sin 60, इसलिए कहते हैं सेक 60 का मतलब है 1/cos 30। अब हमें पता है कि 1/sin 30 क्या होता है, रेडिकल 3/2, इस तरीके से cos 30 भी इस तरीके से होता है, रेडिकल 3/2, यहाँ पे ये डिवाइड है ना इसको 2 के ऊपर भेजते हैं,
इस पे PSA 2 के ऊपर भेज दें। तो दोनों का आंसर क्या होगा, 2 रेडिकल 3। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 रेडिकल 3। सही है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालें, रेडिकल 3 और 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। ये आंसर आ जाएगा। सही है, ये वाला वैल्यूज चेंज हो सकती है, मेथड यही होगा। और नेक्स्ट में देख लेते हैं, sin 60 प्लस cos 30। अब पहले वाले में आया था sin 30 प्लस cos 60, तो अब मैंने उल्टा कर दिया इसका, तो हो सकता है उल्टा आ जाए बाकी में। sin 60 कितना होता है, ये होता है sin 60 होगा, रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। और cos 30 कितना होगा, रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। सही है, ये कॉमन आ गया 2, और ये हो गए। तो ये देखें, एक ये रेडिकल था, एक रेडिकल था, दोनों को प्लस किया ना तो 2 आ गया, तो 2 रेडिकल 3 आ गया, 2 1 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि रेडिकल 3 सिर्फ आंसर आ रहा है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, लेकिन रेडिकल 3 जो है इसका आंसर आएगा। सही है, ये नहीं होगा इसका आंसर, रेडिकल 3 होगा। अब टेबल में आपको बता देती हूँ, ये साइन कोस टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पे 0 30 45 60 90। साइन 0 कितना होता है, या पेपर में भी बना सकते हैं ताकि जो है ना आपको आसानी आ जाए, अगर इनकेस अगर आपको भूल जाए तो। साइन 0 होगा 0, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 45 वाला होगा 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल। sin 60 होगा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, और cos 90 होगा 1। अब cos का किस तरह से होगा, बस इसको जो है ना उल्टा करके लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 1/2, ठीक है, यहाँ पे 0। और अब टेंजेंट कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच में ना अपॉन लगाते हैं, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, 0। और इन दोनों का अब अपॉन लगाएं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे करके देख लो, 1 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड का मतलब है कि ऊपर चला जाएगा ये, नीचे आ जाएगा ये, तो 1 रेडिकल 3 हो जाएगा इसका आंसर। इन दोनों को करेंगे तो 1 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा उल्टा आप, ठीक है। इसको और इसको करेंगे, करके दिखा देता हूँ इसको, रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 पहले और 2/1 बाद में, तो इसका मतलब है कि ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा, ठीक है। और लेकिन अब अगर 1 डिवाइड बाय 0 तो ये इन्फिनिटी हो जाए, तो ये याद कर लें, बहुत है, सारे आंसर सही हो जाएंगे आप। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।